तो देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर भारत के कई पहाड़ी राज्यों में हो रही ज्यादा बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुई है, जिससे कई रास्ते बंद हो गए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के कस्सी गांव में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण सड़क पानी के तेज बहाव में उखड़ गई। इस लैंडस्लाइड की चपेट में कार भी आ गई। काफी मशक्कत के बाद कार को नदी से बाहर निकाला गया, वहीं कार सवार समय से जान बचाने में कामयाब हुआ। बता दें कि इससे पहले कठुआ जिले में अचानक आई बाढ़ में फंसे 11 लोगों को बचाया गया है। बाढ़ में कई जानवर भी बह गए। वहीं कठुआ और सांबा जिला प्रशासन ने बाढ़ को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। सोमवार को भारी भूस्खलन और बाढ़ के बाद कांगड़ा जिले की बहो घाटी में बचाव अभियान जारी है। कांगड़ा जिले के एसपी ने शाहपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर फिर बहो घाटी में बादल फटने की आशंका जताई। यहां अभी भूस्खलन के चलते दर्जनों भर मकान मलबे में दबे हुए हैं। मलबे से एक महिला का शव निकाला गया है, 4 लोगों को जिंदा बचाया गया, वहीं 9 से 10 लोग और दबे हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी है। मलबे में दबे लोगों के जिंदा होने की संभावनाएं बेहद कम है। तो इधर बारिश की वजह से बहो घाटी तक सड़क संपर्क टूट गया था, बिजली और मोबाइल सिग्नल बंद है। प्रशासन के बचाव टीम पैदल चलकर मौके पर पहुंची है।